हो, ठीक है। हाँ, बोलो बोलिए। 8 मार्च को है, चल कोई नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अब ये शॉल की खास बात बताइए। ठीक है। हाँ ये शॉल की खास बात जी मैम, बताइए। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक हैंडक्राफ्टेड आइटम है। हाँ इसका जो धागा है वो हाथ से बनाया हुआ है हाँ एंड इसकी वीविंग भी हाथ से हुई है। हाँ, तो जो ये वूल होती है ये मतलब आपको ठंड, जितनी भी ठंडों में काम करता है मैम, ठीक है। तो ये रहता है इसका, ये सारा लोकली मेड रहेगा। आजकल मार्केट में तो आता है ना दूसरा शॉल, लोग उसको भी याकुल बोल के या कुछ बोल बोल के बेचते हैं, तो हाँ, वो वैसा नहीं है। अच्छा, वैसा नहीं। वैसा भी हमने रखा हुआ है क्योंकि टूरिस्ट को सस्ता बेचना होता है। हाँ, तो ये रहता है, जैसे ये वाला स्टॉल देखेंगे आप, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये नॉर्मल रेट वाला है ये। इसको हम 350 रुपये का बेचते हैं। बोल ये भी है बट ये मशीन भुवन है ये वाला। तो ये चीज ऐसे ही आती है मार्केट में, सस्ती होती है, लोगों को सस्ता चाहिए। अगर यही चीज हैंडमेड में होती है तो थोड़ी कॉस्टली होती है। और ये सॉक्स कितने के हैं? ये वाला 300 का पड़ेगा आपको मैम, ये वाला। अच्छा जी, और ये क्या चीज है? ये लोकल कैप्स हैं, यहाँ की ट्रेडिशनल कैप्स। अच्छा, एक दिखाइए। ये वाली, ये कितने की है? इसके बुनने पे डिपेंड रहता है। ये वाला 450 के मैम, अलग अलग तरह के। और ये हैंड ग्लोव्स कितने के हैं? ये भी याकवूल के हैं क्या? हाँ जी, 300 के ये वाली। ये 300। और ये याकवूल? हाँ जी मैम, ये वाला रहेगा हैंडमेड है, ये वाला ना। हाँ, ये वाला रहेगा हैंडमेड है ये वाला। इसका धागा खुद हाथ से तैयार किया होता है, नीटिंग भी होता है इसका वाला। अच्छा, इसलिए 300 का होगा। हाँ, ये वाला होगा एक, ये 200 का होगा ये वाला। इसका अच्छा, क्या होता है धागा मार्केट में मिलता है। हाँ, तो लोकल लेडीज इसको नीटिंग करते हैं। हाँ, ये 200 का होगा ये वाला। ठीक, फिर एक जो मशीन मेड वाला भी आता है वो 100 रुपीज का भी रहता है। ठीक है, हमारा तो मैम बचपन से हम इसी चीज में यहाँ पे। हाँ, वो एक्चुअली हमको लेना नहीं है, हम आपका यूट्यूब में डाल देंगे। ओके, हमारे यूट्यूब चैनल चलाती हूँ मैं।